थाना शिकोहाबाद पुलिस ने गौ तस्करी में लिप्त 8 अभियुक्त किए गिरफ्तार। थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम की है ये बड़ी सफलता। 3 गाड़ियों सहित 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस व अन्य सामान बरामद। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गोक्षी के 3 अभियुक्त व अन्य 5 अभियुक्तों को 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 ट्रक, 1 बुलारो, 1 वैगनर, 3 छुरी, 100 मीटर रस्सा, 5 नंबर विभिन्न नंबर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना पर क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में थाना प्रभारी शिकोहाबाद व उनकी टीम ने घेराबंदी कर गौ तस्करी में लिप्त 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कोटा, इटावा, आगरा से संबंधित है। इनसे 3 गाड़ियां भी मिली है जिनका उपयोग पशुओं की तस्करी, खास तौर से गौवंश की तस्करी में किया जाता है। इस तरह से कई प्रदेशों में कार्य करने वाला गिरोह है जिसके बारे में कई जनपदों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस गैंग के पकड़े जाने पर निश्चित तौर से इस तरह एसपीआरए सर, शिकोहा क्षेत्र में गौ तस्करों का गिरोह पकड़ा गया है, क्या मामला है? शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में विश्वस्त सूत्रों की सूचना प्राप्त होते पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी और उनकी टीम ने अच्छा कार्य करते हुए गौ तस्करी में लिप्त 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी मुजफ्फरनगर, कोटा, इटावा और फिरोजाबाद जनपद से संबंधित हैं। इनके पास से 2 असलहे और बड़े फलक वाले तमाम चाकू, रस्सी आदि बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 3 गाड़ियां भी इनसे मिली हैं। तीनों गाड़ियों का प्रयोग ये पशुओं की तस्करी के लिए, खासतौर से गोवंश की तस्करी में भी ये संलिप्त रहते थे। पूर्व के एक वांछित मामले में, एक मुकदमे में वांछित भी चल रहे थे और निश्चित तौर पे ये जिस तरीके से कई प्रदेशों में कार्य करने वाला गिरोह है जिसके बारे में कई जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं और इनके जनपदों से जहां के रहने वाले हैं वहां से भी जानकारी की जा रही है इनके आपराधिक इतिहास के बारे में। इस गैंग के पकड़े जाने से निश्चित तौर पर इस तरह के जो आपराधिक कृत हो रहे हैं इस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और निश्चित तौर पर शिकोहाबाद पुलिस का यह कार्य बहुत सराहनीय।